भारत चीन सीमा पर तनाव को लेकर बड़ी खबर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोलवाल ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। बैठक में सरहद के ताजा हालात की समीक्षा, हर हलचल पर कड़ी निगरानी। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बुला सकते हैं मीटिंग, भारत चीन सरहद विवाद पर चर्चा। सरहद पर तैनात सेना की तरफ से कड़ी कार्रवाई के बाद चीन के विदेश मंत्री का नया झूठ, चीन ने कभी युद्ध को बढ़ावा नहीं दिया। चीन के विदेश मंत्रालय का दावा, चीनी सेना ने कभी पार नहीं की एलएसी की लाइन, किसी देश की एक इंच जमीन पर भी नहीं किया कब्जा। भारतीय सेना के मुंहतोड़ जवाब के बाद बदला चीन का सुर, कहा हो सकता है कि कम्युनिकेशन के हो कुछ मुद्दे। चीनी विदेश मंत्री का झूठा बयान, कहा एलएसी पर चीन चाहता है शांति मगर दोनों देशों के बीच सीमा तय नहीं होने से समस्या। चीनी दूतावास की तरफ से भी जारी किया गया बयान, भारत पर पिछले समझौते को तोड़ने का लगाया आरोप। इस बीच फिर बातचीत के टेबल पर बैठा चीन, चुशूल में दोनों देशों के बीच कमांडर लेवल की बातचीत। सूत्रों के मुताबिक ब्रिगेडियर कमांडर स्तर की बैठक में भी चीन की तरफ से जताया विरोध, ताजा झड़प को लेकर भारत को ठहराया जिम्मेदार। एलएसी पर भारत और चीन की तनातनी और बढ़ी, काला टॉप पर दोनों सेनाएं एक दूसरे की फायरिंग की जद में आई। चीन ने काला टॉप पर जासूसी के लिए लगाए थे कैमरे, भारतीय सेना ने नष्ट किया कैमरे और सर्विलांस सिस्टम। पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर है काला टॉप, सामरिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण। एलएसी के हेलमेट नाम की जगह भी चीन के कब्जे जमाने की थी साजिश, सेना ने किया नाकाम। भारतीय सेना के बेस के पास चीन की बढ़ती हलचल से चिंता, एलएसी के पास बड़ी चौकसी। ग्लोबल टाइम्स में चीन की फिर गिदड़ भभकी, टकराने की गलती की तो भारत को उठाना पड़ सकता है नुकसान। धोखेबाज ड्रैगन की बड़ी साजिश हो चुकी है नाकाम, पैंगोंग में घुसपैठ की फिराक में थे 500 चीनी सैनिक। 29-30 अगस्त की रात को चीनी सैनिकों ने की थी घुसपैठ की कोशिश, भारतीय सैनिकों ने दिया था मुंहतोड़ जवाब। चीन की नापाक साजिश को लेकर चौकन्ने थे भारतीय जवान, चीनी सेना को पीछे धकेला। पैंगोंग में झड़प के बाद दिल्ली पहुंचे लद्दाख के उपराज्यपाल, गृह राज्य मंत्री को दी हालात की जानकारी।